परमेश्वर कीर्तिनां गरिणां शक्तिनां च ते गोराशे सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वांदो निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलाक ज्योतिमात्प्रमेयं त्वमाक्षरं परमं वेदि गव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निराळं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मलोका सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य मनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुत शवत्वं स्वगे स्वविदं अवान्तं द्यावाग्विधेयो जिदमान्तरं हि व्याप्तं त्वयैके न दिशस्य सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमोग्यन्तवेदम् लोकत्रयं प्राज्ञभितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घाय सन्धि केचिन्मे प्राञ्जलयन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसम्भा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः कोशलाभि रुद्रादित्या वसवो ये स साध्या विश्वेष्णो मरुत सोष्णाश्च सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मितास्यैव सर्वे सानिशीकेशतवप्रकीर्त्या जगत्प्रशिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीता प्रीतिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गा कस्माच्च गरीयसे ब्रह्मणो प्रादिपते अनन्तदेवे सजगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तरङ्ग त्वमाधिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य ईश्वरस्य परं विधानं भीता श्रीवेद्यं च परं च धाम त्वया कृतं एष मनन्तरूपा वायुर्यमो मे वरुणशशाङ्क प्रजापतिस्त्वं
पितामहस्य नमो नमस्ते सुसहस्रदे पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तारकपृष्ठदस्ते नमोऽस्तु ते सर्वदैव सर्वानन्तवीर्यानिकविक्रमस्त्व सर्वं समाधितो हि सर्व सघेति मात्वा सर्वं यदुक्तम् हे कृष्ण हे राघव हे सखेति अजानतामहिमान अवेदं मया प्रमादप्रणयेन भावि यच्चावासार्थमशक्तिदोषि हैया सर्वोजनेषु एकोत्रात्यस्युतसमचं तच्छामयित्वा महमप्रमेयम् पितासि लोकस्य सरासरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्नात्वस्तमोऽस्त्यधिककुतोऽन्यो लोकप्रेत्यप्रतिमाप्रभावस्मात् प्रणम्य प्रणिधायकायं प्रसादयित्वा महमीशमीयं सखेव सख्यो प्रियः प्रियायासि देवसोऽहं अहमेव माता त्वमेव त्वमेव बन्धु सुखा त्वमेव त्वमेव नित्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव राम। श्री गीता जी का पाठ सातवां अध्याय श्लोक संख्या 21 से अध्याय समाप्ति पर्यंत। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुरमादनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु यो यो यां यां तनुं भक्ते श्रद्धयार्चितुमेच्छति तस्य तस्याचरां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहं सत्या श्रद्धया युक्ते तस्य आराधनमीहते भवते सततो कामा मयैव विहितानितान् अन्तवत्तु फलं तेषां पद्यवाच्यल्पनिरसां देवान् देव यजूयान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं
मान्यन्ते माम बोधय परं भावमजानन्तो मम व्ययमनोत्तम नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृत मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन एत्साद्वेषसमर्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां पञ्चगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ति मां दृढव्रता जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्मपद्विदुःकृत्स्न मध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदु प्रयाणकाले पितमान् ते विदुर्युक्तचेतस साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदु प्रयाणकाले पितमान् ते विदुर्युक्तचेतस ॐ तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तम वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमार्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं
ये जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मिश्रा छूटत कठिन ही। जड़ चेतन की ग्रंथि है तो मिश्रा झूठी है, क्यों? जड़ की और चेतन की ग्रंथि पढ़नी चाहती, ग्रंथि पढ़ती है तो सजातीयता में पढ़ती है, विजातीय में ग्रंथि कैसे पढ़े? कैसे अंधेरा प्रकाश दोनों को मिला हुआ, दोनों कैसे मिले? रात और दिन दोनों को मिला हुए कैसे मिले? विरोधी मिलते है नहीं, तो जड़ चेतन विरोधी है आपस में, तो ग्रंथि है नहीं, पर छूटनी कठिन हो रही है। तो है नहीं, क्यों क्यों नहीं, क्या बात है? तो खास जड़ चेतन ग्रंथि क्या है वो ध्यान देने की बढ़िया बात है। जो हमारे संसार से लेने की इच्छा है ना, ये है जड़, और देने की इच्छा ये चेतन है, ये जड़ चेतन की विरोधी है। लेना ही लेना, लेना कैसे होगा? लेना ही लेना हो तो लेना कैसे होगा? है तो विरोधी, पर विरोधी होने पर भी लेना देना दोनों है, चेतन की ग्रंथि है। जैसे पशु पक्षी है, ये लेते लेते देते नहीं है, और स्वतंत्र महात्मा भगवान परमात्मा ऐसे जो देते ही लेते लेते नहीं है, पर हम लोग देते लेते 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 नहीं, तो लेते लेते रहे संसार चलेगा। जैसे दुकान चलती है तो दुकान लेने देने दोनों से चलती है, एक लड़ाई तुमको नहीं चलेगी, लड़ाई ला कर तुमको नहीं चलेगी, तो जन्म मन देने से चलता, लड़ा बिल्कुल छोड़ दे तो मुक्ति हो जाएगी, एकदम छुटकारा, लड़ा छोड़ दे जड़ता आ जाएगी, लड़ा छोड़ दे जड़ता आ जाएगी। तो अपने उद्देश्य साधक को चाहिए, जब साधना में प्रविष्ट हो तो उसको पहले से ही विचारेगा, हमें लेना नहीं है संसार से कुछ भी, हमें तो देना है, बहुत लिया है, शरीर लिया है, शिक्षा ली है, प्राण लिए हैं, अन्न लिया है, जल लिया है, सहारा लिया है, कपड़ा लिया है, मकान लिया है, तो कर्जा ही कर्जा है, ये चुकाना सब, लेने की इच्छा छोड़ देनी है। लेने की इच्छा से जो देना है वो लेना है, लेने की इच्छा से लेना है, देने की इच्छा भी लेना है, देते तो लेने के लिए, लेते तो लेने के लिए, ये बंधन है। तो देते ही तू देने के लिए, लेते तू देने के लिए, ये मुक्ति है। तो साधक के लिए ये बात खास है, मानो देना ही देना है, अपने तो लेना नहीं है, संसार ये उसे लड़ा लेना ही है, लड़ा ही लेना है, दोनों मनुष्य में लड़ा देना दोनों है, तो दोनों है, उस दोनों बात एक ही है, देना भी लेने के लिए, लेना भी लेने के लिए है। दान पुण्य करेंगे तो फल भाव फल के लिए, हरेक काम करे तुझे फल ऐसा मिलेगा, तो फल मिलेगा वो अधिक, थोड़ा देना ज्यादा देना ये बंधन है, क्योंकि ये संसार तो रहेगा नहीं, लेने की जो इच्छा है भीतर में वो इच्छा रहेगी, पदार्थ तो रहेंगे नहीं, क्रिया भी रहेगी नहीं, व्यक्तियां भी रहेगी नहीं, वस्तु भी रहेगी नहीं, किंतु ये जो भावना है लेने की ये जाएगी नहीं, ये भावना देने की लेने की इच्छा होने से लड़ने की भावना जाएगी, कल्याण हो जाएगा। कारण गुण संगो से सदस्य जन्म सु, गुणों का संग ही उस जीवन में कारण है, धर्म बंद कर देंगे तो संग छूट जाएगा, तो मुक्ति हो जाएगी, तो मुक्ति स्वतः सिद्ध है, केवल मेरे को मिल जाए,
क्या मिल जाए क्या हो जाए, दो चीज है, क्या हो जाए क्या मिल जाए, मानो क्रिया और पदार्थ, क्रिया भी अपने लिए पदार्थ भी अपने लिए, तो ये है बंधन। तो क्रिया और पदार्थ है संसार प्रकृति, तो ये अपने लेना नहीं, अपने तो अक्रिय है और ये अवस्तु है परमात्मा, वो है, उसी प्राप्ति करना है, तो उसी प्राप्ति स्वतः है स्वाभाविक, क्यों सब देश सब काल सब वस्तु सब व्यक्तियों में जिसकी सत्ता है उसका अभाव कैसे होगा, कहीं भी अभाव कष्ट कहीं भी किंचित वाले अभाव नहीं होता, तो उसको प्राप्त करना है, वो है नित्य प्राप्त सब रही, केवल अप्राप्त को प्राप्त मान लिया प्राप्त करने की चक्कर ही इस वास्ते नित्य प्राप्त अप्राप्त हो गया, धन मिल जाए भोग मिल जाए आदर मिल जाए सम्मान मिल जाए सुख सुविधा मिल जाए आराम से रहे, ये जो पकड़ है ये पकड़ जड़ता के साथ संबंध करना है, ये धर्म मन को देने वाला है, भावना है केवल, मिलेगा ज्यादा नहीं, और नहीं मिले तो जो सेवा करना है तो सब सुख पहुंचाना है, दोनों को आराम पहुंचाना है, सबकी सेवा करना है सब सुख पहुंचाना है, तो भी मिलने वाली चीज मिलेगी उतनी, उसमें कमी आएगी नहीं, मूल में कमी नहीं आएगी, परंतु ये भावना त्याग की है वो कल्याण करने वाली, त्यागात शांति अनंतरम, जहाँ त्याग किया वहाँ यार शांति तत्काल अंतर नहीं पड़ता, और जहाँ त्याग निग्रहण किया वही बंधन हो जाएगा, आशा ही परमम दुखम, लेने का बंद हो जाए मन आशा बंदी होती, लखपति करोड़पति अरबपति पृथ्वीपति हो जाएगा तो भी लेने की इच्छा है वो बीच में रहती है, तो ये दरिद्रता है ये मिटती नहीं, और त्याग करे तो लड़ा है मैं तो सेवा ही करना है, सब सुख पहुंचाना है, सबका हित करना है, सबका कल्याण हो, सभी सुखी हो जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये भाव सबको आराम पहुंचे, तो इसमें लड़ा होगी तो देने के लिए, लड़ा भी देने के लिए उद्देश्य एक बढ़ गया, ऐसा अंजल देता है तो भी सेवा के लिए देता है ना भाई, शरीर है तो उसे सेवा हो जाएगी, सेवा हो तो सेवा हो जाएगी, नहीं सेवा कैसे करेंगे, इस वास्ते लेना भी देने के लिए, देना भी देने के लिए, त्याग शांति अनंतरम, त्याग अनंत ही शांति, तत्काल शांति मिलती त्याग से, तो सबका हित कैसे हो, ते प्राप्त माने मामे व सर्वभूत हित रता, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं, तो हित में रत होते भी प्राणी है तो उनका हित हो जाता है, जो हित करता है उस हित करता का भी हित हो जाता है, सर्वभूत हित रहता तो अहित अपना थोड़ी होगा, अपना अहित नहीं होगा अपना हित ही होगा, क्योंकि सबका हित वो त्याग करते हैं तो अपना रखना तो अपना नहीं है, अपना भी त्याग हो सब महत्वपूर्ण का त्याग होगा, तो स्वाभाविक त्याग के लिए जन्म है अपना मनुष्य जन्म, लेने के लिए तो पशु पक्षी नवसर सब जितने सबके लड़े लड़े खाऊ 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 अगर कोई मनुष्य शरीर में रहा तो फिर मनुष्य शरीर की विशेषता क्या हो, मानव शरीर की विशेषता तभी है इसका भाव हो, सर्वे भवन्त सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सब शिव बने, तो यह चेतन ग्रंथ है, लेने में तो है जड़ता देने में चेतनता, लेने में जड़ता है क्या है कि चेतन में तत्व है वो तो लेना नहीं है, तो लेना के लिए तो है ही, लेना क्या है कि जिसका त्याग हो रहा है जिसका संबंध विच्छेद हो रहा है जो तो हमारे साथ रहना नहीं है उसमें देने की भावना बनानी है, परमात्मा को लेने की भावना बनानी है, वास्तव भावना उल्टी हुई और कोई नहीं है, जो तत्व है वो तो सबको प्राप्त है
और निवृत्ति है उसकी स्वतः निवृत्ति हो रही है। प्रकृति प्रकृति कार्य निरंतर अभाव में जा रहा है, निरंतर सुबह शाम दिन में रात में आप कोई काम करे न करे, सो जाए बैठे हैं काम करते हैं, वो तो अपने धुन में एकदम नाश होने जा रहा है। तो उसको पकड़ने की चेष्टा है, यही डरता है, उसमें निष्पक्ष हो जाए सरलता से। ठीक है भाई, तो आपसे आप छूट जाएगा, आपसे आप छूटता ही है, निरंतर छूट रहा है। जैसे बचपन छूट गया, छोड़ा तो नहीं छूट गया, इसे संसार सब सतह स्वाभाविक छूट रहा है। पकड़ने की इच्छा है, यही बंधन है। पकड़ती तो रहेगी नहीं, बंधन बंधन रहेगा। जैसे कोई व्यापार करता है तो वस्तु तो खरीद कर रखता है, गोदाम भर देता है और फिर देह में खाली कर देता है, तो रचा है, रचा क्या है, नफा नुकसान वस्तु सोई रहती है। ऐसे लेने की भावना है, ये बंधन बंधन नफा होगा इसका, और देह ही भावता है मुक्ति होगा बंधन। ये चीज नतीजे में रहेगी, इस बात से सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सब को आराम कैसे मिले, सबका सम्मान कैसे हो, सबका आदर कैसे हो, सबकी प्रशंसा कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, ये चीज है, ये मुक्ति देने वाली भावना ही से भावना बदलती। तो चिन्मयता जड़ की तरह ग्रंथि पड़ी गई, वह जड़ तक ग्रंथि खुल जाएगी केवल देने की भावना से। जो आदमी रुपये निकालता है कितने रुपये खर्च करना है, तो खर्च करना है उनमें खर्च करते रहो, खर्च करते रहो, वो जो नहीं आएगा, रुपया निकाला नहीं हुआ तो उसमें ज्यादा जोर रहता है। रुपये तो वही है, पर इतना काम खर्च करना है, इतना देना है, इतना चू मिलेगा नहीं है। इस तरह से सब देना है, संसार का सब देना ही देना है, देना ही देना है, देना ही देना है, लेना है परमात्मा को तो प्राप्त है, और देना है वो अप्राप्त है। देना है वो जा रहा है, लेना है वो आ रहा है, सत्य। तो लेने की इच्छा है संसार से, सुख की, आराम की, आदर की, सत्कार की, महिमा की, सुख सुविधा की इच्छा है, ये बंधन है। और बिना इच्छा वस्तु तो आएगी, सही निर्वाह के लिए कमी नहीं आएगी। प्रत्युत ऐसी बात है कि रहने की इच्छा का त्याग करने से वस्तु स्वतंत्र आती है, सुखपूर्व आती है, खूब आती है, रहने की इच्छा से कम आती। अब ये बात समझ में आ जाए तो सब त्यागी हो जाए, निहाल हो जाए सभी। आप इतने बैठे हो, किसी के मन में आती है कि डाकुओं को देना चाहिए, चोरों को देना चाहिए, ठगों को देना चाहिए, ये माती मन में तू भी देना चाहते, ठग भी देना चाहते, चोर भी देना चाहते, डाको भी देना चाहते, लेना चाहते, वो देने की इच्छा नहीं होती। अरे आप वही लेने की इच्छा करते हैं तो अपने ज्ञान का ही विरोध करते हैं आप देना चाहते उसको, नहीं लेना चाहते उसको, और अपने लेना चाहते हैं तो अपने ज्ञान का विरोध है ना। तो अपने लेना चाहना नहीं रख लिए, ये चाहना ही बांधने वाली है। चाह चोहरी रामदास सबसे नीच, तू तो केवल ब्रह्म था ये चाहन होती बीच, ये ब्रह्म शब्द है। तो ये अपने विचार द्वारा कार्य लेना चाहिए, ये लेने की भावना छोड़ने पर चीज कम नहीं रहेगी, कम मिलेगी नहीं। परंतु ये वहम ऐसा पड़ा हुआ है कि हमारा निर्वाह कैसे हुआ, यद्यपि मिर्षा छूटे तो कठिन नहीं, झूठी बात छोड़ने ग्रंथा हुई है, तो कम से कम सत्संग करे उनको, तो ऐसा भाव बने अपने तो सेवा करना है भाई, एक घर सेवा करने घर में से, घर से ही शुरू करता, माता पिता है, स्त्री पुत्र है, भाई भतीजा है, बजाई इनको,
कुटुंबियों को सुख पहुंचाना है, उनको आराम पहुंचाना है, उनका हित करना है। घटन लगेगा नहीं, परंतु क्या एक ऊंधी चर्ची हुई है, कैसे घटन लग जाएगा? घटन लगता है नहीं। जो आदमी अपने लिए चेष्टा नहीं करता, दूसरे चेष्टा करती है। बच्चे अपने लिए नहीं करते, माँ बाप करते हैं देने का, पालन करने का। ऐसे जो कोई इधर से चाहना नहीं करता, उसी सेवा करता दे दिया सबकी। इस वास्ते अपने सेवा की भी तीरा को सेवा करना, दो ही बात है। भगवान को तो याद रखना, संसारी सेवा करना, ये दो बात नहीं तो मनुष्य बनाए क्या हुआ? मनुष्य बनाए क्या हुआ? पशु पक्षी जीव या वृक्ष जीव या, न तो भगवान का भजन करता है न सेवा करता है। कहते वृक्ष में से सेवा होती है, उसके फूल है, पत्ते है, डटहरे है, होते आए करते थोड़े है। होने से नहीं, होने से तो मृत्यु होने से सब छूट जाता है, कल्याण हो जाता है। होने में तो कितना ही बड़ा त्यागी हो, मरने वाले के समान तो त्यागी होता नहीं। कितने बड़े त्यागी हो है, मरने वाले समान त्यागी हो सकता कोई? समाचार ही नहीं, फिर ऊपर भर मचा भर भर के कहाँ गया, कैसे गया, पता नहीं। धागा एक कुछ ले जाता नहीं, शरीर का शरीर यही छोड़ कर चला जाता है। इतना त्याग कौन होगा? तो छूटने से कल्याण हो तो मुर्दे का पता नहीं होना चाहिए कल्याण जाने वाले, मरने वाला कल्याण होना चाहिए, और राजा महाराजा कल्याण होना नहीं चाहिए। अरे भाई बात नहीं, भाव में है। मरना कल्याण करना उद्धार तो भाव में है, बस उसको छूट ही रही है, निरंतर छूट रही है, निरंतर ही छूट रही है। जिसको छोड़ना है वो नहीं छूट रहे, जिसको प्राप्त करना है निरंतर प्राप्त है। केवल भावना बदलना है, भावना जो निरंतर है उसको पकड़ना है, जो निरंतर जाए उसको छोड़ना है। इधर चित्र ग्रंथ है, लेने की इच्छा ही जड़ना, क्योंकि लेना जड़ता कोई लेना चिन्मयता तो सोता है कि नहीं, स्वयं चेतन अमर सहज सुख राशि लेगा तो जड़ ही लेगा, चेतन क्या लेगा? चेतन तो है, तो लेने की जरूरत है क्या? सुख पहुंचाना है नहीं, सर्वे भगवान तो सुखी न भावी सब सर्वे सर्वे अमया सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भवेत्। तो ये कम से कम मनुष्य जन्म इसलिए हुआ है, मनुष्य जन्म का मतलब यही है। जो अपना है उसको तो याद करो, और नहीं है उसे त्याग करो, उसे न्याग त्याग करो, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। सोते ही बंधन तो अपना पकड़ा है ना, बंधन हमारा पकड़ा हुआ है, पकड़ दिया, पकड़ के जकड़ दिया है हमें। खुद सुना भी मुक्ति आप ही हुआ, आप बालक मन से मुक्ति हुई, जवानी से मुक्ति, बुढ़ापे से मुक्ति, रोग से निरोग से मुक्ति, छूटता चला जाता है। इस वास्ते अपने लेने की भावना इच्छा है, इसका त्याग करना है, अपने सेवा करना है, सभी भाई कमी नहीं आ गई। तो ये बैम कैसे मिटे, कोई उपाय बताओ, आप लोग बताओ, बैम कैसे मिटे? तो देंगे तो फिर हमारा काम ही कैसे चलेगा? काम क्या चलना है? धर्म और मानो ये काम है, धर्म और मानो ये तो नहीं चलेगा भाई, ये तो लड़ने की इच्छा से चलेगा। काम कैसे चलेगा? काम बंद करना है, चलाया बहुत जन्मों से, करोड़ों जन्मों से, अनगिनती के जन्मों से काम चलाया है, अब काम बंद करना है हमारे तो फिर हो जाएगा। सबके हित करना है, ते प्राप्तवंती माँ में सर्वभूति रहता, स्वाभाविक स्वतः
शरीर की सेवा भी सेवा है, कुटुंब की सेवा भी सेवा है, मोहल्ले की सेवा भी सेवा है, गांव की सेवा भी सेवा है, दुनिया माता की सेवा भी सेवा ही सेवा है। आराम देना है शरीर से, आराम देना ये नहीं है। आराम से शरीर खराब होता है, परिश्रम करने से शरीर अच्छा होता है। गोद उदम पाटिका पुष्प विद्या कुम धनम दाने वर्धते दाने इस बार भाव देने का देना करे है तो चिन्ह में तर जाएगी। जल का त्याग संबंधित चिन्ह होगा चिन्ह में तर जाएगी। इस बार सर्वभूति रहता है प्राणी मात्र के हित में प्रीति है परमात्मा प्राप्त करते हैं। ठीक तरह से है समझे तो बड़ी लाभ की बात है, बड़े लाभ की बात है। सिद्धांत इस बात ने अपने पास लोग सबका सेवा सेवक करना है। अवन दिन देवसम को याद दिन को अवन दिवान पांच दिन नहीं जा रहे। जिस दिन कुछ भी सेवा नहीं करी तो खाली दिन चला गया, ये दिन पांच हो गया, पांच दिन पैदा नहीं कुछ भी। इस बार कोई दिन खाली नहीं जाए। स्मृत अन्य चेता सत्ता ये सर्वभूत तीर्थ अन्य चेता सत्ता सर्वभूति सबका हित भगवान का स्मरण सर्वेशु काले सुमर युद्ध भगत पर युद्ध करो हरदम भगवान का स्मरण करना है सर्वभूति तीर्थ। ये जड़ से इतनी ग्रंथि खुल जाएगी, लड़े के इच्छा रहने से बन जाए। विचित्र बात है, लेने की इच्छा से बनता है, देने की इच्छा से मुक्त हो जाता है। तो साधक होता आरम्भ कर रहे हो साधक हमें अब लेना नहीं है, हमें तो देना ही देना है, सबको सुख पहुंचाना है, आदर भी करना है, सत्कार भी करना है, सेवा भी करना है, सब सुखी हो जाए, कोई दुखी ना रहे, कष्ट में ना रहे। तो कोई दुखी न रहे इसका दुखी नहीं रहेगा इस बात नहीं, आप दुखी नहीं होगे, आप दुखी नहीं होगे, आप कष्ट नहीं पाओगे। अपनी मुक्ति करना है वास्तव में जो उपदेश है व्याख्या, ये भी वास्तव में अपने लिए ही होता है। औरों के लिए घर से अभिमान बढ़ता है, अपने को लिए अपने ही विश्वास से सच्चे हृदय से अपने भगवान में लग जाना है, और संसार की सेवा करना है, यही चीज है। परमात्मा तो अपने संसार अपना है नहीं, अपना नहीं है उसको दे दो, अपना है ले लो। निषेध वृत्ति यही है जो निषिद्ध है, और त्याग उसे करना है जो त्याग है निरंतर संबंध विच्छेद है, उसे संबंध विच्छेद करना है, तो लेने की इच्छा नहीं है, ये संबंध विच्छेद। अब इसमें कोई बात हो तो पूछो, संदेह हो तो। ये शरीर के निर्वाह के लिए जो आवश्यक वस्तु है उनकी इच्छा करना तो कोई आवश्यक वस्तु है तो हमारे लिए आवश्यकता है, औरों के लिए आवश्यकता नहीं है क्या? देखो आवश्यक अन्न भोजन कर लिया, जल पी लिया, कपड़ा पहन लिया, इसके बिना आप सेवा करोगे कैसे? तो सेवा के उद्देश्य से ही अन्न लिया, उसे जल लिया, उसे कपड़ा लिया, उद्देश्य के वो सेवा करना है, सुख सुख पहुंचाना है और भगवान का भजन करना है, उसके लिए लेना है। ये लेना नहीं, लेना भी देना है, देना भी देना है, सगाई के लेना ही देना है, देना ही लेना है, लेना ही लेना है। इच्छा भावना लेने की है तो जड़ते ही जड़ता है, बंधन ही बंधन है, बंधन ही बंधन है। निर्वाचित नहीं होगा, होता है बात सच्ची है तो बदलेगी कि नहीं। जैसे सब्जी में नमक कम होता है उसकी लेने की इच्छा करनी चाहिए कि नहीं? क्या कहते हैं साग में नमक कम हो तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? साग में वो तो स्वास्थ्य के लिए, वो तो लेना चाहिए स्वाद के लिए, नहीं स्वास्थ्य के लिए लेना चाहिए, स्वाद के लिए क्या लेना?
स्वाद, स्वाद तो वो अस्वाद व्रत है। ये पांच व्रत ही में गांधी जी ने सात व्रत लिया, अस्वाद व्रत। स्वाद की दृष्टि से भोजन नहीं करना, स्वाद की दृष्टि से करना जीव का अर्पण करना है और स्वास्थ्य की दृष्टि से शरीर का अर्पण करना है और भगवान का प्रसाद ही भगवान का अर्पण करना है। भोजन में भी ये बात है, तो केवल स्वाद के लिए वो जीव का अर्पण हुआ और स्वास्थ्य के लिए शरीर का अर्पण हुआ और भगवान के लिए क्या भगवान का अर्पण हुआ और भगवान ने अपने किया कल छात्र हो गया, सेवा हो गई, अपने लिए भोग हो गया, भगवान के लिए योग हो गया, दुनिया के लिए योग हो गया, अपने लिए भोग हो गया। तो लेना किसके लिए, किस उद्देश्य से लेना ही पाप है, देना ही पुण्य, ये नहीं है। वास्तव में भाव क्या है, लेना का भाव है तो देना भी लेना ही है। तो अधिकतर स्वाद की दृष्टि से ही करते हैं, तो स्वाद की दृष्टि से करते कल्याण थोड़ी होगा। स्वाद दृष्टि सब पशु पक्षी सब मनुष्य सब स्वाद की दृष्टि से करते हैं, तो स्वाद की दृष्टि से कल्याण होता है क्या? उसमें कमी आने से घर में झगड़ा भी कर लेते हैं, अच्छी बात है, बढ़िया हुआ पतन। पतन का दो रास्ता हो गया, एक स्वाद एक लड़ाई। तो यही है हमारी। अब चेत करो, अब सत्संग से क्या फर्क पड़ेगा? सत्संग से पता ही लगता है कि क्या कर रहे हैं। होश ही नहीं है, होश अब सत्संग से होश आता है, नहीं तो बेहोशी से सन्नि बात में आया हुआ यही चल रहे, जैसे मरी अपनी हवा माता ऐसे चलता, पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं। सत्संग से कुछ होता है, राम मया सतगुरु दया, साधु संग जब हो तो प्राणी जाने कस को कुछ जाने का अलग विशेष तो कुछ जानता है, चेत होता है, बेहोशी बेहोशी चल जाता है, ऊंधे ऊंधे चल जाता है। अपना शरीर है भगवान के लिए है, संसारी शिवा के लिए, यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंतरुदायी, विषय भोगना शुभ भोगने के लिए नहीं है। ये बात है, नारायण 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 नारायण, ये बात है महाराज, सीधी बात है। पर हित सर्ष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सुख नहीं अधमाई, पर हित बस दिन के मन माही, दिन का जग दुर्लभ को सुनाए। चलो राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामचंद्रदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2054 21 जनवरी 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।